ये 90 दिन की मियाद से लड़के कितने दिन मिल जाएंगे, ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, वरना यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक के बाद एतजाज एसन एक निजी चैनल पर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस वक्त गिरफ्तारियां नहीं देनी चाहिए थीं क्योंकि इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है और अगर इस तरह हुकूमत तहरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को जेल में डाल देती है तो तहरीके इंसाफ को सूबाई इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर मुल्क में इलेक्शन ना हुए तो इस मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा। जेल भरो तहरीक है, पहले भी आप इसकी वजाहत कर चुके हैं कि ये कोई इफेक्टिव तरीका है प्रोटेस्ट का, इससे कोई फर्क पड़ेगा या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है? नहीं, मुझे तो कोई इतनी एक्सरसाइज नहीं लगती और बड़ी अजब वक्त पे कर रहे हैं कि अगर वो आपको और सबको, आपके लीडर को और आपके जो कैंडिडेट्स हैं लोकल कैंडिडेट उनको वो उठा के अंदर का वो उनको अंदर करके वर्कर्स को गाड़ियों में बसों में बिठा के 50 मील दूर शहर के बाहर छोड़ दें और कैंडिडेट आपके अंदर हो जाए और साथ वो ये ऐलान हो जाए इसका ये जो इलेक्शन का, आप सारे बंदे अंदर होंगे इफेक्टिवली और आप बाहर इलेक्शन में हो रहा होगा और ये इस किस्म की तो वो जाती है नून लीग तो इस किस्म की वॉक ओवर इसमें जो जो मुझे नहीं समझ आती थी ये गवर्नमेंट को क्या मिलेगा ये 90 दिन की मियाद से लड़के कितने दिन मिल जाएंगे, ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे वरना यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ होगा।